गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं वेद सोनी, आज की क्लास में हम करेंगे सीए इंटर का ऑडिट चैप्टर 8। चैप्टर आपकी बुक में मे भी डिफर हो सकता है अगर आप कोई स्टडी मेट या कोई अदर बुक फॉलो करते हैं तो, पर हम टॉपिक बता देते हैं आपको जो हर बुक में सेम मिलेगा, उसका नाम है ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग हम मान के चलते हैं आपको ऑडिट सैम्पलिंग बिल्कुल भी नहीं आता और आप बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। बेटा सैम्पलिंग तो तुमने कहीं ना कहीं पहले सुन रखा है, सैम्पलिंग तुमने कहीं पहले सुन रखा है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। हिस्ट्री, पुराने टाइम की अप्रोच को बोलते थे ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। और जो आज के टाइम पे जो ऑडिट के अप्रोच है उसको बोलते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। सर ये हिस्ट्री में आप क्या पढ़ा रहे हैं, अप्रोचेज ऑफ ऑडिट, अप्रोचेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट की दो अप्रोच होती है बेटा, एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो पुराने टाइम से चलती आ रही है और एक आज के टाइम पे नई डेवलप हुई जिसका नाम है रिस्क बेस्ड अप्रोच। रिस्क बेस्ड अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती थी, कितना भी टाइम लग जाए, कितनी भी कॉस्ट लग जाए, ऑल ट्रांजेक्शन चेक करनी है, सारी ट्रांजेक्शन चेक करके एक भी गलती नहीं छोड़नी, सारी गलती पकड़नी है। ये अप्रोच रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है बेटा, ये किसको कंसीडर नहीं करती, ये ना ही टाइम को कंसीडर करती है ना ही कॉस्ट को कंसीडर करती है। क्या बोलती है, सारी ट्रांजेक्शन को चेक करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए टाइम भी ज्यादा लगता था, कॉस्ट भी ज्यादा लगती थी और सब कुछ करने के बाद भी मिस्टेक रह जाती थी, मिस्टेक रह जाती थी और यूजर्स को रिपोर्ट लेट मिलती थी। नए जमाने की नई अप्रोच, वो क्या बोलते हैं, सारा काम चेक मत करो, रिस्क बेस्ड अप्रोच लगा दो। मैंने कहा मतलब, कहता जिस अमाउंट में रिस्क ज्यादा उसको चेक कर लो यार, और जो छोटा मोटा पॉइंट है उसको इग्नोर कर दो। मैंने कहा कहना क्या चाहता है, कहता मैं कहता हूँ यार आजकल की ऑडिट में हर बंदा सैम्पलिंग यूज करता है। मैंने कहा पहले सैम्पलिंग का मतलब तो बता क्या होता है, बोला सैम्पलिंग का मतलब होता है चेकिंग करना। मैंने कहा ठीक, चेकिंग आपको अप्लाई करनी है, अप्लाई करनी है लेस देन 100% पॉपुलेशन। 100% चेक ना करके उससे कम चेक करना ही सैम्पलिंग कहलाता है। बेटा सैंपलिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन है, सैंपलिंग का मतलब है ऑडिट प्रोसीजर या सैंपलिंग आपने अप्लाई किए हैं, सैंपलिंग आपने अप्लाई किया है किस पे, लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन। अब सवाल ये, पॉपुलेशन क्या होता है, एंटायर सेट ऑफ डेटा, एंटायर सेट ऑफ डेटा जो आपको चेक करना है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। सारा चेक ना करके कहीं कहीं से उठा उठा के, कोई कुछ चेक कर लिया, कभी कुछ चेक कर लिया, कभी कुछ चेक कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट बेटा किसी का फोन आ गया था बेटे, एंटायर सेट ऑफ डेटा को बोला जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसमें से हम उठाते हैं सैंपल, हम उठाते हैं सैंपल। एक बात बताओ, हर बंदा सैंपलिंग के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, मैं थोड़ा सा आपको और डीप में कराऊं, सैंपलिंग के लिए अलग अलग टेक्निक होती है। शायद तुमने भी कुछ टेक्निक का नाम सुन रखा होगा, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा बेटा रैंडम सैंपलिंग, या आपने नाम सुन रखा होगा स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, स्टेटिस्टिकल, या आपने नाम सुन रखा होगा नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, या आपने नाम सुन रखा होगा स्टार्टिफिकेशन सैंपलिंग, स्टार्टिफिकेशन, या आपने नाम सुन रखा होगा सिस्टमेटिक सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ये सारी सैंपलिंग की टेक्निक है, ये सारी सैंपलिंग की टेक्निक है। बहुत सोच समझ के जवाब देना, गलत जवाब मत देना। ये कंपनी है, यहां इसका कारोबार है, यहां इसके बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं, ये एक सीए है, ये एक सीए है, ये ऑडिट करके आया और ये भी उसी कंपनी के अगर ऑडिट करने जाए, क्या ये जरूरी है वो सेम चीजें चेक करेंगे बेटा, क्या ये जरूरी है वो सेम चीजें चेक करेंगे, फटाफट बताओ। ये क्या आपको नहीं लगता, ये हर बंदे का अपना प्रोफेशनल जजमेंट है, किसी को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती होगी, किसी को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती होगी, कोई किसी को इंपॉर्टेंट मानता होगा, कोई किसी को इंपॉर्टेंट मानता होगा, तो हर बंदे की अपनी सैंपलिंग की अलग अप्रोच होती है, बोलो हाँ। अगर तुमने थोड़ा बहुत सुन रखा है रैंडम सैंपलिंग के बारे में तो फटाफट बताओ रैंडम सैंपलिंग कौन सी होती है, शब्द उसमें एक लाइन नहीं बोलते, ईच आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, हर आइटम के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, उसको क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपलिंग। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको रैंडम सैंपलिंग तो सैंपलिंग का जस्ट एक पार्ट है। अगर आपको कोई सैंपलिंग ब्रॉड वे में पूछे ना कि सैंपलिंग के दो ही टाइप बतानी है, दो ही टाइप बतानी है सैंपलिंग ब्रॉड वे में कितने टाइप की होती है, तो आप बोलेंगे बेटा एक होती है स्टेटिस्टिकल और एक होती है नॉन स्टेटिस्टिकल।
और वो जब आपसे पूछे स्टेटिस्टिकल कौन सी होती है, तो आपको जवाब देना है क्या, जिसके अंदर रैंडम सैंपलिंग होती है, रैंडम सैंपलिंग जिसके अंदर होती है वो। और दूसरा यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज होती है और रैंडम सैंपलिंग के गुण होते हैं उसको स्टेटिस्टिकल बोला जाता है। बताओ स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग की कौन सी दो बातें? हाँ भाई फटाफट बताओ बेटा। स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग की दो कैरेक्टरिस्टिक बताओ, और दूसरा यूज करती है किसको, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को। अगर आपसे कोई पूछे नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होती है, तो आपको क्या बताएंगे, जिसके अंदर रैंडम सैंपलिंग का गुण नहीं होता और जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज नहीं करती है। प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या होती है, तो मेरे स्टेट में आती होंगी, तुमने सीए फाउंडेशन में थोड़ा उत्पड़ भी रखा होगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टेटिस्टिकल। मेरा सवाल अब आपसे क्या है, ज्यादा साइंटिफिक कौन सा है, आप आंसर देंगे इस बात का, ज्यादा साइंटिफिक कौन सी है बेटा, ज्यादा अच्छी कौन सी है, जिसके अंदर भी इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन का गुण होता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन का गुण होता है, और जो भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करती है वही बेस्ट मेथड होता है, तो हम कहेंगे हमेशा स्टेटिस्टिकल इज द बेस्ट मेथड। ओके सर, सर आप भी हमें बता दो एक बात कि हम सैंपलिंग क्यों करें, हम तो सारी कंपनी को चेक करेंगे। अच्छा पहली बात तो बेटा प्रैक्टिकली अगर बात करूं ना, तो किसी के पास टाइम होता कि एक साल के अंदर, नॉर्मली ईयरली ऑडिट होती है, एक साल के अंदर कितनी लाखों हजारों ट्रांजेक्शन हो गई है, उसको बैठ के सिंगल सीटिंग में चेक करना पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, अगर तुम टाइम लगाने को तैयार भी हो ना, तुम सीए बनने के बाद टाइम लगाने को तैयार हो, तुम जबरदस्त एफर्ट करने को तैयार हो, क्या पैसे तुम्हारी डिमांड के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे बेटा? तो पहली चीज टाइम की दिक्कत, दूसरी चीज पैसे की दिक्कत, तीसरी चीज हर छोटी सी छोटी चीज को चेक करना भी तो बेवकूफी होती है, एक जैसी चीजों को बार बार चेक करना। तो एक अंदाजा लगाते हैं, रिस्क आइटम निकालते हैं, मोटा मोटा चेक करते हैं, उस मोटे मोटे के चेक पे, अब ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, उस मोटे मोटे के बेस पे, मोटे मोटे के बेस पे पूरी कंपनी के बारे में अंदाजा लगाते हैं, पूरी कंपनी के बारे में अंदाजा लगाते हैं। सर आपने अंदाजा क्यों बोला, अंदाजा है इसलिए तो हम रिपोर्ट देते हैं, हम बहुत चालू आदमी हैं, अंदाजा इसलिए तो हम रिपोर्ट देते हैं। अगर हमारा अंदाजा ना होता, विश्वास होता, तो बेटा सर्टिफिकेट जाता, क्या जाता, सर्टिफिकेट। हम कभी भी सर्टिफिकेट नहीं देते, हम रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, हमें लगता है कंपनी ऐसी है। थोड़ा सा और हिंदी में अगर जाऊं, जब दुकान पे जाके हम छोटी सी बर्फी चेक करते हैं, हम 2 किलो बर्फी लेने गए, 2 किलो बर्फी लेने गए, इस 2 किलो बर्फी जब हम जाते हैं तो दुकानदार हमें छोटी सी बर्फी चेक कराता है, चखवाता है, टेस्ट कराता है। वो एक बर्फी खा के अगर हमें वो कम मीठे की और अच्छी बर्फी लगी तो हम बोल देते हैं सारी दे दो। अब सोच के बताना बेटा, हमने इस बर्फी को, इस छोटी सी बर्फी को ही चेक करके अंदाजा लगा लिया, क्या बाकी सारी बर्फी भी वैसी ही होंगी जैसी हमने ये खाई है, हमने सोच लिया, क्या ये 100% ऐसा होना जरूरी है? बताओ बेटा मेरे साथ, तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए, क्या ये जरूरी है जैसी बर्फी तुमने चखी है वैसी बर्फी घर पे निकलेगी? लेकिन बेटा तुमने बर्फी खा के ऑर्डर तो दे दिया 2 किलो डाल दो, क्योंकि तुम्हारी सोच क्या बन गई, बाकी भी वैसी होंगी। अब घर पे जाके दो सीन, या तो बर्फी वैसी की वैसी निकलेंगी जैसा सैंपल आपने चखा था, दूसरी बात यह वैसी नहीं निकलेंगी, उससे अलग निकलेंगी। एक बात मैं बताता हूं, जैसा सोचा, अब ध्यान सुना बेटा, जैसा सोचा वैसा पाया, तो क्या सैंपलिंग रिस्क आया? सोच के बताओ, क्या सैंपलिंग रिस्क आया? हां जी, जैसा सोचा जैसी बर्फी चखी घर पे बिल्कुल अलग निकली, जैसा सोचा वैसा नहीं पाया, मेरा सैंपल पे जो विश्वास मैंने किया, मेरे सैंपल पे जो विश्वास मैंने किया वैसी चीज नहीं निकली, तो मुझे बताओ क्या सैंपलिंग रिस्क आया? सैंपल, अब सैंपलिंग रिस्क को पढ़ना सिखाऊं, बिल्कुल जीरो में ले गया मैं तुम्हें, सैंपलिंग रिस्क को पढ़ना सिखाऊं, रिस्क को छुपाऊ। सैंपल इसलिए लिए जाते हैं, सैंपल इसलिए लिया जाता है ताकि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, जैसा सैंपल हमने चखा वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर उसने वैसी वैसी पॉपुलेशन नहीं निकली तो सैंपलिंग रिस्क आ गया। क्या बेटा आपको सैंपलिंग रिस्क को टर्म को पढ़ना आ गया? यस और नो? बहुत बढ़िया, सारा टॉपिक हो चुका, कुछ भी नहीं बचा, बस मैच करवाना बाकी है। अब मेरी बात सुनो, सैंपलिंग रिस्क दो टाइप का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सैंपलिंग रिस्क दो टाइप का होता है, रिस्क भी दो टाइप का होता है।
एक बार मेरे को ये डर है कभी मीटिंग एंड ना हो जाए, फटाफट टाइम बताएं एक बार, टाइम कितना बचा हुआ है? जी फिर स्टार्ट है। सैम्पलिंग रिस्क हम सीख रहे हैं बेटा, सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? मैंने बर्फी का एग्जांपल देके तुम्हें समझाने का पूरा प्रयास किया, सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है। सैम्पलिंग रिस्क ऑडिट में दो टाइप का होता है, जहां आप ओवर रिलायंस कर लेते हैं, ओवर रिलायंस ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, या आप अंडर रिलायंस करते हैं। बहुत दिमाग लगाने का टॉपिक है बेटे, ध्यान समझना, जैसी चूक होगी टॉपिक समझ नहीं आएगा। सैम्पलिंग रिस्क, ओवर रिलायंस, अंडर रिलायंस, ज्यादा विश्वास करना, कम विश्वास करना। अब इसके दो पार्ट। आपने वहां पे जाते ही चेक तो दो ही चीज करनी होती बेटा, या तो आपने वहां पे कंट्रोल चेक करे, या वहां पे आपने ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस चेक करी। ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस को चेक करने को बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल। और कंट्रोल चेक करने को क्या बोलते हैं? कंप्लायंस प्रोसीजर, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो या तो आपने वहां पे चेक क्या करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, या चेक क्या करें, टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस। अब देखो सैंपलिंग रिस्क कैसे आता है। वहां ढेर सारे कंट्रोल थे, सारे कंट्रोल चेक करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं था, तुमने कोई गिनती के 3 या 4 कंट्रोल ही चेक करे। वहां पे 50 कंट्रोल लगे हुए, तुमने 3-4 कंट्रोल सैंपलिंग में चेक करे, और वो कंट्रोल बाय चांस सही मिले, क्या मिले, बिल्कुल सही अप टू डेट, उसके बेस पे ही अंदाजा लगा के तुमने कह दिया यहाँ पे सारे कंट्रोल सही है। तुमने ज्यादा विश्वास कर लिया और तुमने बोल दिया यहाँ पे सारे बिल्कुल सही है, जबकि 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 एक्चुअल में वैसा नहीं था, वैसा नहीं था। सेम चीज को यहां रिपीट करो। तुमने वहां जाके ट्रांजेक्शन चेक करी, वहां सेल परचेज की ट्रांजेक्शन थी, तो वहां 100 ट्रांजेक्शन थी मान लो, तुमने वहां 10 ट्रांजेक्शन चेक करी, बाय चांस 10 की जस्ट वही 10 जो तुमने चेक करी वह सही निकलाई, उसके ऊपर बेस होके तुमने बोल दिया यहाँ की सारी ट्रांजेक्शन सही है, जबकि जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। या तुमने क्या क्या गड़बड़ हो रही है बताए बेटा, जो 5-4 सैंपल तुमने लिए बाय चांस वो सही निकला है, सही निकलते उनके बेस पे तुमने क्या बोल दिया, ज्यादा विश्वास कर लिया, तुमने क्या बोल दिया सब ठीक है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अंडरलाइंस, फिर से दो पार्ट, या तो तुमने वहां पे कंट्रोल चेक करे, या वहां पे तुमने डिटेल चेक करी, डिटेल मतलब ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस। कंट्रोल चेक करे, 50 कंट्रोल लगे हुए थे, 3-4 कंट्रोल तुमने चेक किए, बाय चांस यही गलत थे, और तुमने क्या बोल दिया दोबारा चेक करो सब गलत है, तुमने सबको चेक करने के लिए बोल दिया और तुमने मान लिया ये सारे गलत है। डिटेल, तुम ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस चेक कर रहे थे, तुमने 10 ट्रांजेक्शन चेक करी, बाय चांस जो तुमने चेक करी वही गलत निकलाई, और तुमने क्या बोल दिया सारी ट्रांजेक्शन दोबारा से चेक करो, तुमने मान लिया यहाँ पे सारी क्या है गलत है। मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर आपने बड़े ध्यान सुना है तो, दोनों में से खतरनाक ये ज्यादा चीज है या ये ज्यादा चीज है बेटा, सोच के समझ के आंसर देना, दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सी चीज है, ओवर रिलायंस या अंडर रिलायंस बेटा? ओवर रिलायंस ज्यादा खतरनाक है या अंडर रिलायंस ज्यादा खतरनाक है, बताओ क्यों, कारण बताओ। सही बात है सर, अगर आपने ये काम किया ना, थोड़ा सा चेक करके आपने सारा सही बता दिया, तो पता है क्या होगा, रिपोर्ट गलत बनेगी। तुम बोलोगे सब कुछ सही है जबकि एक्चुअल में वैसा नहीं था। अगर आप अंडर रिलायंस करते हो सर, अगर आप अंडर रिलायंस करते हो, कम विश्वास करते हो, तो सर चेकिंग ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा होगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन कभी भी रिपोर्ट गलत नहीं बनेगी, क्योंकि तुमने सारी चेक करने के बाद पोजिशन क्लियर हो जाएगी। जब तुम, मैंने बोला सारी चेक करो, तो सारी चेक करने के बाद तो पता लग जाएगा ना कि यही 3-4 गलत थी, बाकी तो ठीक थी। तो अंडर रिलायंस में टाइम ज्यादा लग सकता है, चेकिंग ज्यादा हो सकती है, रिपोर्ट गलत नहीं बनती। ओवर रिलायंस में रिपोर्ट आपकी गलत बनती है। सैंपलिंग रिस्क तो टू टाइप का होता है, एक ओवर रिलायंस का, एक अंडर रिलायंस का, एक ओवर रिलायंस का, एक अंडर रिलायंस का। क्या आपको बेटा दोनों टॉपिक समझ में आ गए? पक्की बात। सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक मामले थे सैंपलिंग रिस्क के, ये जो बच्चे बोलते रहते हैं सर ये। अच्छा एक बात बताओ यार, मेरे को एक टॉपिक और बताओ, सैंपल तुमने गलत ले लिया, मतलब सैंपल पे तुमने गलत विश्वास किया, उसकी वजह से रिस्क आ गया, इसको तो तुम सैंपल रिस्क बोलोगे। ओके बात, दुकान पे जैसी बर्फी चखी थी घर पे वैसी बर्फी नहीं निकली, सैंपलिंग रिस्क है नो डाउट, तुमने सैंपल पे गलत विश्वास किया।
लेकिन दुकान पे तुमने जैसी बर्फी चखी थी घर पे भी वैसी बर्फी थी, बस वहां गलती से तुम्हें बर्फ, घर आने के बाद इन बर्फी में कुछ तुमसे, तुम्हारे से पानी, कोई धूल या मिट्टी कुछ गिर गई, और मिट्टी गिरने से इन बाकी पॉपुलेशन का जो स्वाद है वो बिगड़ गया। मेरा तुमसे एक ही सवाल बेटा, क्या ये सैंपलिंग रिस्क है या नॉन सैंपलिंग रिस्क है? मेरे पापा जब मुझे ये कहेंगे बर्फी देख के नहीं ला सकता था, ये तो वैसी है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? पापा इसको सैंपल रिस्क मत बोलो, वो तो वैसी ही थी, ये अदर फैक्टर की वजह से मामला खराब हुआ है। जब जब कसम खा लो, जब जब केस स्टडी में अदर फैक्टर की वजह से मामला खराब हो तो आप उसको सैंपलिंग रिस्क नहीं बोलते, उसको क्या बोलेंगे? नॉन सैंपलिंग रिस्क। क्या ये टॉपिक आपका क्लियर है बेटा? क्या ये टॉपिक आपका क्लियर है? मां कसम से ये फाइनल तक का टाइम लग जाता है ये चीज समझने में, ये सालों की मेहनत है जो एक सेकंड के अंदर मैं ये सिंपल एग्जांपल करके आपके दिमाग में डाल रहा हूं। इसको प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑडिट इतनी खतरनाक है, बार बार बोलता हूं बेटा, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट जच गया ना तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। कॉन्सेप्ट जचने के बाद गड़बड़ नहीं होगी, तो कॉन्सेप्ट को जचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सैंपल को सिलेक्ट करने के कई सारे मेथड होते हैं। अब तो सिंपल सिंपल पॉइंट बेटा, सैंपल को सिलेक्ट करने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे सबसे पहले मेथड का नाम है रैंडम। फटाफट रैंडम की खास बात बताओ, जल्दी बोलो भाई, रैंडम की खास बात। ईच आइटम शैल हैव इक्वल चांस ऑफ, इक्वल चांस, जब सभी के पास सिलेक्ट होने का बराबर का अधिकार होता है उसको रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। हो गया ओवर। सर दूसरा बताओ, अगर पेपर में स्टार्टिफिकेशन आ जाए, क्या आपने नाम सुन रखा बेटा स्टार्टिफिकेशन? फटाफट बताएं, क्या आपने स्टार्टिफिकेशन कभी सुना हुआ है? स्टार्टिफिकेशन भी सैंपलिंग का एक टाइप है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के समझाऊंगा। एक कंपनी के अंदर या स्टार्टिफिकेशन में बेटा हम पूरी पॉपुलेशन को, जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन है उसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, उसको ग्रुप में तोड़ लेते हैं, और हर ग्रुप को तोड़ने के बाद स्टार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टा, या बोलते हैं स्टार्टम। मतलब एंटायर पॉपुलेशन को टुकड़ों में तोड़ लेना ही क्या कहलाता है? स्टार्टिफिकेशन कहलाता है। और फिर हर टुकड़े से चेकिंग करनी है। सर प्रैक्टिकल बताओ, एक कंपनी में आप सीए बन के गए, आप वहां पे इनवॉइस चेक कर रहे थे, और आपने वहां चेक किया, वहां 5 रुपए से लेके 5 लाख तक का इनवॉइस है। वहां 5 रुपए से लेके 5 रुपए का बिल भी था किसी सामान का, और वहां बिल 5 लाख रुपए का भी बिल है। अगर बेटा तुमने गलती से भी रैंडम सैंपलिंग लगा दी, टोटल 100 बिल है और तुमने रैंडम सैंपलिंग लगा दी, तुमने क्या बोला? सिर्फ 4-5 ही बिल चेक करेंगे, उसके आधार पर हम रिजल्ट ले लेंगे। एक बिल निकला 5 रुपए का, एक बिल निकला 20 रुपए का, एक बिल निकला 35 रुपए का, एक बिल निकला 100 रुपए का, एक बिल निकला 1000 रुपए का। क्या आपको नहीं लगता जो तुमने चेक किया बाय डिफॉल्ट गलती से सारे छोटे अमाउंट आ गए, तो बड़े अमाउंट तो चेक ही नहीं हो पाए? सर अच्छा तरीका क्या रहता, अब सीए बनने के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस पूरी पॉपुलेशन को टुकड़े में तोड़ लेना था। जैसे 5 रुपए से लेके 20,000 तक के इनवॉइस अलग कर लो, 20,000 रुपए तक के से लेके 1 लाख तक के इनवॉइस अलग कर लो, 1 लाख से लेके 3 लाख के इनवॉइस अलग कर लो, और 3 लाख से लेके 5 लाख के इनवॉइस अलग कर लो। मैंने पूरी पॉपुलेशन को 4 टुकड़े में तोड़ लिया, ए टुकड़ा, बी टुकड़ा, सी टुकड़ा, डी टुकड़ा, और अब हर टुकड़े में से 2-2 सैंपल ले लिए। अब हर टुकड़े में से 2-2 सैंपल ले लिए, मुझे बताओ बेटा पूरी पॉपुलेशन सब जगह से चेक होगी या नहीं होगी? ये सर नो, एंटायर पॉपुलेशन को टुकड़ों में तोड़ के सब पॉपुलेशन बना लेना, इसको सब पॉपुलेशन भी बोलते हैं या टुकड़े भी बोलते हैं। ईच ग्रुप को स्टार्टा बोला जाता है, स्टार्टा इसलिए बोला जाता है, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बता दिया ताकि हर जगह से चेकिंग हो जाए। इसलिए रैंडम सैंपलिंग से ज्यादा अच्छी टेक्निक होती है स्टार्टिफिकेशन। पेपर में राइट शॉर्ट ऑन स्टार्टिफिकेशन कई बार आया है, तो इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्निक है आपकी वैल्यूएटेड टेक्निक। वैल्यू वेटेड टेक्निक, ये टेक्निक बेटा जैसा नाम है सिर्फ एक चीज को तवज्जो दे दी, क्या? जिसका वेट ज्यादा हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, उसी को चेक करना है। अगर उसको तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी ऑडिट ही नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी दुकान की 1 लाख रुपए की सेल है, मेरी दुकान की 1 लाख रुपए की सेल है पूरे साल की, कस्टमर देखो कौन है, गर्वित लेता है साहब पूरे साल में 100 रुपए का सामान, गर्वित लेता है पूरे साल में 100 रुपए का सामान, करीना खान लेती है पूरे साल के अंदर 2900 रुपए का सामान, और कृतिका जो है वो पूरे साल में लेती है 97,000 रुपए का सामान। मुझे बता दो मेरी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा वेट किसका है, बोलो भाई।
मेरी पॉपुलेशन को बनाने में, मेरी पॉपुलेशन को बना ही एक बंदे ने रख रखा है, ये वैल्यूएटेड ट्रांजेक्शन बेटा। अगर इसको चेक नहीं करोगे तो फिर बाकी चेक करने का फायदा क्या है, क्योंकि ये तो कस्टमर हुए और बिना हुए बराबर थे। वैल्यूएटेड टेक्निक बोलती है क्या, अगर आपके पास टाइम कम है और आप इफेक्टिव चेकिंग करना चाहते हैं तो आपको वैल्यू को वेट देना पड़ेगा। जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उस आइटम को पक्का चेक कर लो, छोटी मोटी वैल्यू में गलतियां रहती रहती हैं इनको छोड़ दो। ऐसी टेक्निक को बोला जाता है वैल्यू वेटेड टेक्निक। क्या आप लोगों को समझ में आ गई? फटाफट बताओ बेटा, क्या समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टेक्निक का नाम है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है सर, अब ये बताओ। सिस्टमैटिक वो था स्ट्रैटिफिकेशन, ये है सिस्टमैटिक। यहां पे जैसे बेटा तुम किसी कंपनी में गए, वहां तुम्हें बिल चेक करने हैं और तुमने ये टेक्निक लगाई, इसका मतलब पता है क्या, वहां पे 500 बिल थे। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता, तुम कहीं से कोई भी 4-5 बिल निकाल लेते, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम सारे को चेक करना चाहते हो। तो तुमने क्या किया, जैसे मैंने बोल दिया बेटा हर 10वां चेक कर लो, एवरी 10th इनवॉइस। मुझे बताओ बेटा 10वें के बाद कौन सा इनवॉइस चेक करना, तुम्हें बोल के बताओ यार 10वें के बाद कौन सा चेक करना है। हर 10वां, 20वां, फिर 30वां, फिर 40वां। मुझे बताओ हर एक सैंपल के बीच में जो इंटरवल है, जो गैप है, वो बराबर है या नहीं है? सिस्टमेटिक टेक्निक क्लियर हो गई। जब आप एंटायर पॉपुलेशन में जो गैप रखते हैं और वो गैप बिल्कुल इक्वल रखते हैं, जैसे हर 10वां इनवॉइस चेक कर लो, हर 50वां इनवॉइस चेक कर लो, 50वां बोल दिया मैंने, हर 50वां बोल दिया तो 50 के बाद सीधा 100वां होगा, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, लास्ट में 500वां इनवॉइस चेक हो जाएगा। ये था मेरा सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सर एक बात बताऊं, जो पहला इनवॉइस चेक होगा, जो पहला 10वां होगा या पहला 50वां होगा, ये कैसे होगा? ये रैंडम है। ये ऑडिटर कोई भी बोल सकता है, कोई भी उठा सकता है, हर 5वां भी बोल सकता है, हर 10वां भी बोल सकता है, हर 50वां भी बोल सकता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं पहला सैंपल जो भी उठेगा वो तो उठेगा रैंडम, लेकिन उसके बाद जो गैप रहेगा वो रहेगा बिल्कुल फिक्स, इक्वल इंटरवल में रहेगा। ऐसी टेक्निक को सिस्टमेटिक सैंपलिंग बोला जाता है। मुझे फटाफट बताओ क्या ये टेक्निक आपको समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट टेक्निक का नाम है बेटा ब्लॉक सिलेक्शन, ब्लॉक सैंपलिंग। सर अभी ब्लॉक सैंपलिंग क्या होती है जरा इसके बारे में बताओ बेटा। ब्लॉक सैंपलिंग का मतलब है जैसे आप किसी कंपनी में गए और वहां बहुत ढेर सारे बिल रखे थे, उस बिल पे 500 बिल वहां पे रखे थे, तुमने क्या बोला, तुम्हारे ऑडिटर ने तुम्हें कहा कि बेटे तुम पहले 50 चेक करो, फर्स्ट 50, या ऐसे बोल दे बीच के 50, या ऐसे बोल दे एंड के 50, बीच बीच में नहीं करना तुम्हें, जो जहां से भी उठाओगे लगातार 50 उठाओगे, या तो पहले 50, या सबसे लास्ट के 50, या बीच के 50, जो उठाओगे लगातार चेक कर लोगे। ऐसे में तुमने अगर ये 500 ब्लॉक है, अगर ये 50 इनवॉइस है, तुमने ये पूरा ब्लॉक चेक किया, अगर लास्ट से देखे तो तुमने ये पूरा ब्लॉक चेक किया, अगर बीच से देखे तुमने पूरा ब्लॉक चेक किया। जब एक पॉपुलेशन में एक पूरा ब्लॉक को डिटेल चेक कर लिया जाता है, ऐसी सैंपलिंग को ब्लॉक सैंपलिंग बोलते हैं। क्या आपको ब्लॉक सैंपलिंग समझ में आ गई बेटे? हाँ जी, सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे लास्ट आ गया हप हजार्ड सैंपलिंग। सर ये क्या होती है? ये भाई रैंडम जैसी ही होती है। इसको अगर पेपर में आ जाए तो इसके 4 पॉइंट याद कर लो, और इसमें ज्यादा घुसना नहीं क्योंकि ये टेक्निक है ही नहीं। सबसे पहले लाइन, हप हजार्ड सैंपलिंग अगर पेपर में आती है तो इसमें तुम क्या लिखोगे? नो स्ट्रक्चर टेक्निक। ये कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर टेक्निक फॉलो नहीं करती, इसमें कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं। दूसरा, इसको ये एप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं है, इसको वहां मत लगाना जहां स्टेटिस्टिकल टेक्निक लगानी चाहिए थी। अगर वहां पे तुमने ये लगा दी तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो आप बोलना इट इज नॉट एप्रोप्रिएट वेयर, जहां पे स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग लगानी थी वहां भूल के भी इसको मत लगाना। ओके सर। तीसरा, इसको रैंडम भी कह सकते हैं, ये रैंडम की बहन है, ये रैंडम सैंपलिंग जैसी ही होती है, एज लाइक एज रैंडम सैंपलिंग। लेकिन चौथी बात है, ये रैंडम जैसी इसको जब कह सकते हैं, जब बायसनेस ना हो। बायसनेस का मतलब होता है रैंडम सैंपलिंग की खास बात होती है, हर आइटम के पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, अगर वो बेस अगर ये भी मेंटेन करती है तो इसको रैंडम सैंपलिंग जैसा कह सकते हैं, इसको हाफ हजार्ड सैंपलिंग बोला जाता है। ये कोई नया ही वर्ड आया था, इसको डिफाइन कैसे करना पेपर में, इट डज नॉट फॉलो ए स्ट्रक्चर टेक्निक। इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर टेक्निक फॉलो नहीं होती,
ये अप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं होती, जहां पे स्टेटिस्टिकल लगाने इसको भूल के भी यहां मत लगाना। तीसरा, ये रैंडम सैंपलिंग जैसी होती है, इसको रैंडम सैंपलिंग का ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं, लेकिन बशर्ते तभी कह सकते हैं जब बायसनेस ना हो, इक्वल चांस सिलेक्शन होना चाहिए। ये सारी टेक्निक थी तुम्हारी सैंपलिंग की। सैंपलिंग क्या होती है, दो टाइप के अप्रोच क्या होती है, अब मैं फटाफट रिवाइज कराऊंगा जिससे पूछूं वही बताए। स्टार्टिफिकेशन में क्या हुआ था? हाँ भाई कृतिका, फटाफट बोल बेटा, स्टार्टिफिकेशन में क्या हुआ था? पूरी पॉपुलेशन को टुकड़ों में तोड़ के तुमने स्टाटा बना लिया था और स्टाटा में से चेक कर लिया था, ओवर। गरिमा फटाफट बता बेटा, ब्लॉक सिलेक्शन क्या था? ब्लॉक ठीक बेटा, सिस्टमेटिक बता जल्दी, सिस्टमेटिक क्या था, सिस्टमेटिक में क्या हो रहा था? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, स्टार्टिफिकेशन बता दिया, ब्लॉक हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, एक और था हप हजार्ड क्या है, आप जस्ट समझाया था हप हजार्ड सैंपलिंग क्या है। इसको वहां नहीं लगाना जहां पे शाबाश, मुझे फटाफट बताओ दो अप्रोच होती हैं, कौन सी होती हैं वो? ऑडिट करने की दो अप्रोच होती हैं, कौन सी? जो पुराने जमाने में चलती थी इसको क्या बोलते थे, और आजकल जो चलती है उसको क्या बोलते हैं? मुझे सैंपलिंग की डेफिनेशन बता सकते हो? सैंपलिंग क्या है? अप्लाई द प्रोसीजर टू लेस देन, किसे लेस देन? फटाफट बताओ सैंपलिंग रिस्क क्या होता है और कितने टाइप का होता है? सैंपलिंग रिस्क कितने टाइप का? क्या कही आपने? एक में तो आपने ज्यादा विश्वास किया, एक में आपने कम विश्वास किया। ओवरलाइंस अंडरलाइंस, ओवर के दो पार्ट, अंडर के दो पार्ट, एक में चेक क्या करें? कंट्रोल, एक में चेक क्या किए? ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस। फिर चेक किए कंट्रोल, एक में चेक क्या किए? ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस। ओवरलाइंस में आपने ज्यादा विश्वास कर लिया और आपने बोल दिया सब कुछ सही है जबकि वो ऐसा नहीं था, रिपोर्ट गलत बनेगी, ज्यादा खतरनाक है। अंडरलाइंस में आपने कुछ चेक किया, आपने बोल दिया सब गलत है, दोबारा चेक करो, टाइम एफर्ट ज्यादा लगेगा लेकिन रिपोर्ट गलत नहीं बनेगी। सैंपलिंग रिस्क कितने टाइप का होता है मैं आपको समझा दिया, सैंपलिंग क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, सारा टॉपिक आपको रिवाइज हो चुका है। फटाफट एक बार बुक उठा लो बेटा, जल्दी फटाफट बुक उठाओ, 8th टॉपिक बुक उठाएं। और प्लीज जो टिक मार्क मैं कराऊं उतना ही करना बेटा, सैंपलिंग में मैं ज्यादा करवा रहा हूं बल्कि उससे ज्यादा करने का प्रयास मत करना, फटाफट बुक उठाएं और मेरे साथ साथ बेटा देखना स्टार्ट करें और पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले पे क्यों लिखें? दो अप्रोच होती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, एक रिस्क बेस्ड अप्रोच होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है? रूटीन चेकिंग, अंडरलाइन करना बेटा रूटीन वर्ड को, रूटीन चेकिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। टाइम मत देखो, कॉस्ट मत देखो, लगे रहो कुत्ते की तरह लगे रहो, सभी को वाउच करो, ये कौन बोलता था? ट्रेडिशनल। रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या बोलती है? नाउडेज हैज अंडरगॉन कंसिडरेबल चेंजेस, हमें सारी चीज चेक नहीं करनी, हमें वही चीज चेक करनी है जो ज्यादा अटेंशन देने वाली है, जो कंट्रोल और प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे हमें क्वेश्चनेबल लगती है, सिर्फ हमें वही चीज चेक करनी है, मतलब हमें रूटीन चेकिंग को फॉलो नहीं करना, एक बात। नेक्स्ट टॉपिक फिर से क्यों करें, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो। क्या स्टैंडर्ड, सॉरी सैंपलिंग फॉलो करने का कोई स्टैंडर्ड है? हाँ बेटा, क्या सैंपलिंग, कौन ऑडिटर कौन सा मेथड फॉलो करेगा, ये कोई स्टैंडर्ड है या सब बंदों की अपनी मर्जी है? बोल के बताएं यार, पहला पैराग्राफ में बेटा यहां आ जाएं आप, द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, ब्रैकेट लगा लें, इस पे भी इंपॉर्टेंट रिमार्क कर दूं, क्वेश्चन आने का है, आरटीपी में दो बार आ लिया, क्या पता पेपर में आ जाए। कौन बंदा कितनी चेकिंग करेगा, इट इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इसको हाईलाइट करके आ जाना पेपर में। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि हर ऑडिटर एक जैसी सैंपलिंग टेक्निक फॉलो करेगा, इसका ना कोई गुड और रीजनेबल कोई स्टैंडर्ड है। तो एक नॉर्मली क्या स्टैंडर्ड है, हमें ऐसी सैंपलिंग टेक्निक लगानी चाहिए जिससे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन हो। इसलिए एक ही मेथड सबसे गुड मेथड माना गया है, क्या? स्टैटिस्टिकल थ्योरी सबसे बेस्ट और सबसे साइंटिफिक मेथड माना गया है। क्यों? ये आर्बिट्रेरी मेथड नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करता है। पहले दोनों पॉइंट कवर। नेक्स्ट, सैंपलिंग का मीनिंग बताओ।
सैंपलिंग के ऊपर ऐसे लगता 530 रट लेना बेटा सैंपलिंग कैसे कौन सा 530 डेफिनेशन है अप्लाई करना ऑडिट प्रोसीजर को किसके ऊपर less than 100% population known as sampling definition over उसके बाद population क्या होती है entire set of data को बोलते हैं population over जिस population से data उठाओ वो कैसी होनी चाहिए appropriate होनी चाहिए complete होनी चाहिए reliable होना चाहिए और एक और बोल देना यहाँ पे accurate होनी चाहिए ये चार खासियत होनी चाहिए पॉपुलेशन से अदरवाइज सैंपल गलत आएगा भाई पॉपुलेशन सही होनी जरूरी है टाइप ऑफ सैंपलिंग पेपर में अगर आपसे टेक्निक नहीं पूछी है टाइप पूछी है तो सैंपलिंग के दो टाइप आप बताएंगे मेजरली एक तो स्टेटिस्टिकल एक नॉन स्टेटिस्टिकल ये मेथड नहीं है मैंने टाइप बोले टाइप का आंसर अलग देना है और मेथड का आंसर अलग देना है स्टेटिस्टिकल में दो बात स्टेटिस्टिकल थ्योरी जो रैंडम को यूज करती है और जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज होती है उसी को क्या बोलते हैं स्टेटिस्टिकल थ्योरी बोलते हैं सॉरी इस थ्योरी के एडवांटेज बताना ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा डिफेंसिबल है ज्यादा अब देखो बेटा यहाँ पे तुम कहाँ याद करोगे यार लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं याद करवाता हूँ स्टेटिस्टिकल थ्योरी के अगर सैंपलिंग के अगर एडवांटेज आ जाए तो पेपर में चार मार्क्स के आएंगे तो उनको कैसे याद करना तरीका सीखो यहाँ पे बेटा देखो अगर किसी बंदे को पचास इनवॉइस थे नॉर्मली 50 इनवॉइस थे और कोई ऑडिटर जब 50 इनवॉइस तो चेक कर रहा था हर पांचवा इनवॉइस मतलब टोटल इनवॉइस ने कितने चेक करे 10 इनवॉइस चेक करे थे 500 इनवॉइस हो गए उसके सामने कितने इनवॉइस आ गए 500 तो उसने सैंपल देखो बेटा पॉपुलेशन का साइज बढ़ने से अब वो ऐसे नहीं करेगा कि जब थोड़े थे तो मैं हर 10वां चेक कर रहा था चलो मैं अब हर 50वां चेक कर लेता हूँ पॉपुलेशन के बढ़ने से सैंपल का साइज नहीं बढ़ाना उसी प्रोपोर्शन में चेक करते रहना चाहे चेकिंग जितनी मर्जी हो जाए ये एडवांटेज है कैसे यहाँ पे सैंपल साइज बढ़ाया नहीं जाता दसवें से पचासवां नहीं करना अगर सैंपल बढ़ गए हैं तो सॉरी पॉपुलेशन बढ़ गया तो सैंपल का साइज नहीं बढ़ा ना अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ गए तो ये जो है स्टेटिस्टिकल ये ज्यादा टेक्निक ज्यादा ऑब्जेक्टिव फॉलो करती है ज्यादा डिफेंसिबल है ज्यादा अच्छी टेक्निक है ये ऐसी टेक्निक है जो हमें रिस्क प्रिसीजन करके देती है रिस्क निकाल के देती है और चौथा ये ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ रिस्क का निकाल के नहीं देती उस रिस्क को कैलकुलेट करने का तरीका भी बताती है और उसको करेक्ट कैसे करना है इसका तरीका भी बताती है पांचवा इस टेक्निक को ज्यादा साइंटिफिक माना गया है क्योंकि ये सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन देती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ब्रैकेट क्लोज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा याद कराऊ स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग की दो खास बातें रैंडम सैंपलिंग और यूज करती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक फोन आया था बेटा और वो ऐसा बंदा है मुझे बार बार फोन करेगा मैंने एक बार उसका कट कर दिया है दोबारा देखते हैं आता नहीं आता खैर छोड़िएगा स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग दो चीजें यूज करती है एक रैंडम एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसकी मैंने चार एडवांटेज बताई कोई बच्चा बता सकता है क्लास में चार एडवांटेज कोई भी बच्चा बता दे जल्दी बेटा टाइम नहीं हमारे पास ज्यादा साइंटिफिक है मोर ऑब्जेक्टिव ज्यादा डिफेंसिबल है न केवल रिस्क बताती है रिस्क को कैलकुलेट करना भी सिखाती है और बेटर डिस्क्रिप्शन देती है और मजे की बात पॉपुलेशन बढ़ने से सैंपल का साइज नहीं बढ़ता ओके नॉन स्टेटिस्टिकल कौन सी होती है स्टेटिस्टिकल का रिवर्स मार देना जिसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होता जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं नॉन स्टेटिस्टिकल ओवर सैंपलिंग रिस्क क्या होता है लिखो होमवर्क सर होमवर्क क्यों ये दो बातें ज्यादा विश्वास कम विश्वास कंट्रोल चेक करो डिटेल चेक करो पूरे समझा चुका हूं होमवर्क लिखो सर नॉन सैंपलिंग रिस्क आपने क्या बताया था जो सैंपल की वजह से ना हो उसको आप सैंपल का रिस्क कैसे कह दोगे जैसे सैंपल तो सही था तुमने ह्यूमन मिस्टेक कर दी सैंपल का रिजल्ट तो सही आया था लेकिन तुमने गलती से उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया सैंपल तो सही आना था तुमने मेथड गलत लगा दिया सैंपल तो सही आता तुमने गलत इंफॉर्मेशन पे भरोसा कर लिया जब तुम गलती कर रहे हो तो सैंपल का नुकसान थोड़ी ना कह सकते हो तो जो सैंपल का नुकसान नहीं होता उसको कभी भी सैंपलिंग रिस्क मत बोलना वो कहलाएगा नॉन सैंपलिंग रिस्क ओके सर ऐसे 530 सैंपल डिजाइन का टॉपिक इग्नोर करके सीधा स्टार्टिफिकेशन पे आना यहाँ पे क्यू मार्क करना क्यू
स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है बेटा, याद करवा चुका हूँ। डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन के अंदर, और जितने सब पॉपुलेशन बनते हैं उनको स्टार्टा बोला जाता है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड स्टार्टा। स्टार्टा बना के दिखा रखे हैं, 1 लाख तक के वाउचर अलग कर लिए, 25,000 से 1 लाख तक के अलग कर दिया, 25,000 तक के अलग कर लिए, हर पॉपुलेशन में से वाउचर उठा लिया, क्या बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या मैं करवा चुका हूँ बेटा, फटाफट बताओ भाई, क्या मैं वैल्यू वेटेड करवा चुका हूँ? इसको जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रखा है ना, उसको 1 मिनट पे होल्ड पे रखो, 1 मिनट होल्ड पे रखो। क्या मैं रैंडम सेलेक्शन करवा चुका हूं? रैंडम। क्या मैंने सिस्टमेटिक सैंपलिंग करवाया था? सिस्टमेटिक। मॉनिटरी के आगे लिखो वैल्यू वेटेड, ये अलग नहीं है, इसको वैल्यू वेटेड लिख लेना, अंदर लिख भी रखा है वैल्यू वेटेड होता है, तो ये अलग नहीं है, वो पीछे पढ़ लेंगे। हब-हज़ार्ड जिसमें कोई स्ट्रक्चर टेक्निक फॉलो नहीं होती, ये वहां मत लगाना जहां स्टेट यूज होता हो, इसको रैंडम का ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं, बशर्ते इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। ब्लॉक सिलेक्शन मैं करा चुका हूं, सब मैं करा चुका, एक चीज मैंने नहीं कराई, एक चीज मैंने नहीं कराई। ये इतना टेक्निकल एनालिसिस बेटा, इतना टेक्निकल है कि हर बच्चा गलत करता है। अगर मैं इसको आज होमवर्क दे दूं तो कसम से तुम कल को इसको गलत इंटरप्रेट कर पाओगे, ये गारंटी है। लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो मैं पहले इसको समझा ही देता हूँ, ये मसला क्या है, इस मसले पे ध्यान दे दो तुम, फिर हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। क्या रह जाएगा? एक पेज रह जाएगा, इसको फिर हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैं ये इसकी क्लास भी लेनी है। एक पेज रह जाएगा बस, मिसलेनियस है, कोई खास बात नहीं है, और टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। तुम्हारा 8वां चैप्टर पूरा हो जाएगा, 7वां सॉरी। लेकिन इसको समझ लो, ये नहीं समझा तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं सैंपल ज्यादा लूं, अब ध्यान सुनना बेटा, सबसे टेक्निकल बात है, मैं सैंपल ज्यादा लूं या सैंपल कम लूं, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। या तो मैं चेक करता हूं कंट्रोल, या मैं चेक करता हूं टेस्ट ऑफ डिटेल। जब कंट्रोल चेक करूंगा तो इस लाइन को पढ़ने के बाद बेटा इसका आंसर आपको देना है। आप इंटरप्रिटेशन जारी रखना मेरे साथ साथ, मैं लाइन पढ़ूंगा, आप बताना फिर ये क्या लिख रखा है। एन इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट टेक इन टू अकाउंट रेलिवेंट कंट्रोल। आगे लिख रखा है इंक्रीज। बेटा किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ा बहुत घुसा तो प्लीज जल्दी बताना, एक दूसरे की वेट मत करना। जिसको भी समझ में आया हो फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट, वो मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। अगर नहीं आता है तो फिर मेरे को जल्दी बताना बेटा, क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम ना खत्म हो जाए, ताकि मैं समझाना स्टार्ट करूं। मैं बताऊं बेटा, आप बता रहे हैं, जल्दी बताओ बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। अब ध्यान से समझना, ये मैं समझाऊंगा तो इसका आंसर आपको देना है। मेरा सवाल है, मैं सैंपल ज्यादा लूंगा, मैं सैंपल ज्यादा लूंगा या कम लूंगा, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। फर्स्ट, एन इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट टेक इन टू अकाउंट रेलिवेंट कंट्रोल। बेटा रिस्क अगर बढ़ रहा है, रिस्क के एक्सटेंट में वृद्धि हो रही है, ऑडिटर के रिस्क के अंदर एक्सटेंट रिस्क ज्यादा हो रहा है, तो सैंपल कम लेने चाहिए ज्यादा लेने चाहिए, फटाफट बोलो। एक पॉइंट सेट हो गया। दूसरा पॉइंट, हिंदी बोलूंगा, आपको आंसर देना है। एन इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट। अब मैं ज्यादा गलतियां सह सकता हूं, मैं ज्यादा टॉलरेट कर लूंगा, कोई बात नहीं यार, गलती है चल जाएगी। इसका मतलब सैंपल ज्यादा लेनी है कम लेनी है? अगर मैं ये बोलूं, ध्यान सुनना, अगर मैं ये बोलूं इतना भी टॉलरेट नहीं करूंगा, इतू सा भी टॉलरेट नहीं कर सकता, इसका मतलब सैंपल क्या करने हैं, ज्यादा लेने हैं। और मैं बोल दूं कोई बात नहीं यार, गलतियां पड़ी रहेंगी, चल छोड़, इसका मतलब सैंपल कम लेने हैं। तो टॉलरेबल लेवल, अगर आपकी सहने की क्षमता बढ़ेगी तो सैंपल साइज घटेगा। आगे, अगर एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, गलतियां ज्यादा निकल के आ रही हैं, तो सैंपल छोड़, घटा देने चाहिए बढ़ाने चाहिए, जल्दी बोलो बेटा। डेविएशन ज्यादा आ रही है तो गलतियां ज्यादा निकल के आ रही है, तो सैंपल कम करने चाहिए ज्यादा बढ़ाने चाहिए? शाबाश। फोर्थ पॉइंट, एन इंक्रीज इन द, मैं ज्यादा अच्छी एश्योरेंस देना चाहता हूं, मैं मेरे यूजर के लिए ज्यादा अच्छी रिजल्ट बनाना चाहता हूं, ज्यादा अच्छी रिपोर्ट बनाना चाहता हूं, तो मुझे सैंपल कम लेने चाहिए ज्यादा? अब ऐसी बातें मैं बोलूंगा और रिजल्ट आपको देना है,
फर्स्ट रिस्क बढ़ रहा है, सैंपल बढ़ाऊं घटाऊं? ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान सुनना, किसी आइटम के ऊपर, किसी आइटम की ऑलरेडी मैं डिटेल चेकिंग कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं डिटेल चेकिंग कर चुका हूं, तो उसके ऊपर सैंपल ज्यादा लगाने या कम लगाने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, मैं एश्योरेंस का लेवल अपनी रिपोर्ट में, एश्योरेंस विश्वास का लेवल बढ़ाना चाहता हूं, अच्छी रिपोर्ट देना चाहता हूं, मैं ज्यादा सह सकता हूं, ज्यादा टॉलरेट कर सकता हूं, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या होगा? ओवर। ये भाई हर आदमी, चाहे उसी फाइनल है चाहे उसी इंटर है, वो कहता है सर हम इसका रट लेंगे, कहां इंक्रीज कहां डिक्रीज, इस वर्ड को इसके साथ रट लेते हैं और इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं। ऐसा मैं भी करवा सकता था, जी जान लगा कि मैंने ये बताया कि बेटा इसका लॉजिक इंटरप्रिटेशन क्या है और ये कहां इंक्रीज होती है कहां डिक्रीज होती है। जब ये तुम्हें समझ में आया तो ही तुम सेकंड का आंसर दे पाए थे। अगर तुम इसको ऐसे समझ लोगे तो कभी भी इसको रटना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये स्टेटमेंट देगा तुम्हें आंसर देगा, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, नन ऑफ द अबव, तो तुम्हें बताना पड़ेगा वहां पे सोच के इसका आंसर क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। इस प्रकार से हमने सैंपलिंग का दी एंड किया। एक पार्ट रह गया ये लास्ट में, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। इसमें कोई दो पैराग्राफ मुझे टिक मार्क कराने हैं, वो नेक्स्ट में मैं करवाऊंगा। तो आज हमने 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर दो खत्म किए। क्या मैं मीटिंग को एंड करूं? फटाफट बताएं बेटा।